गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक यू ऑल इन द न्यू ऑनलाइन सेशन ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल 2021-22. माय नेम इज सुरभि भारद्वाज. आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 मैथ्स. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विच वॉज इन एक्सरसाइज 2.3. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. हाउ टू डिवाइड फ्रैक्शंस by a whole number or by a fraction. So the first thing is, when we divide a fraction, for example, we are given an example 2/5 multiply 10. ये हमें दे रखा है तो sorry divide करना है, multiply नहीं divide करना है. तो कैसे डिवाइड करते हैं इसको हम, जो क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ होती है वो होता है रेसिप्रोकल. कि जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है या फिर हमें जैसे कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है या फिर जो डिवाइड के बाद का जो साइन है उसका रेसिप्रोकल यूज़ करते हैं हम लोग. और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी दिया हुआ है नंबर उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो रेसिप्रोकल मतलब उस नंबर को फ्लिप कर देते हो और डिवाइड की जगह साइन किसका आ जाता है, मल्टीप्लाई का. जैसे कि 2/5, इसको हम 10/1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिवाइड की साइन की जगह लिख देंगे मल्टीप्लाई और वन, इस नंबर को फ्लिप कर देंगे, 1/10 कर दिया हमने. अब इसको काट दो, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, मल्टीप्लाई करके लिख दो, 1/5 5 ज़ा 25. आंसर क्या है, 25. ये होता है हम रेसिप्रोकल यूज़ करके करते हैं. जब भी हमें डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि जो डिवाइड के बाद का जो फ्रैक्शन है या फिर जो होल नंबर दे रखा है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उस नंबर को फ्लिप कर दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा के नंबर को फ्लिप कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 से शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 2.4 क्या है, इसमें फाइंड 12/3/4. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला, 12 में हमें डिवाइड करना है क्या, 3/4 ये डिवाइड करना है. तो मैंने क्या बताया था, डिवाइड करते टाइम क्या करते हैं, इसको तो अपन में 1 लगा दो, फ्रैक्शन बना लिया हमने, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इस नंबर को क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे, तो 3 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 3 आ जाएगा, नंबर हमने पलट दिया. अब ये सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, कट गया, ठीक है. तो अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कैसे कर दे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 ज़ा 16 और 1 1 ज़ा 1, या फिर इसे 16 में लिख सकते हैं. सिंपल से कुछ नहीं करना है आपको इसमें. क्या करना है, अगर आपको जैसे डिवाइड दे रखा है, डिवाइड दे रखा है तो क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और डिवाइड के बाद का जो फ्रैक्शन है उसे फ्लिप कर देंगे. सेकंड वाला करते हैं, चलिए इसका सेकंड वाला क्या दे रखा है, ये 14/5/6. चलिए करते हैं, 14 को हम 14/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया. मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का कर देंगे, और इस नंबर का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे. रेसिप्रोकल मतलब नंबर को फ्लिप कर देंगे, तो 6/5 हो गया. अब क्या करेंगे, कट रहा है कुछ, नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 14 6 ज़ा 84 और 5 1 ज़ा 5. सिंपल. इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या बोल रहा है वो, 3/2 1/3. मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 3/3 2 ज़ा 6 और 1 7/3. ये तो आता है ना आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, जो ये दोनों नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई आया उसमें इसको ऐड कर देते हैं. तो क्या किया, 3 2 ज़ा 6 और 6 में 1 ऐड कर दिया, 7 और अपॉन में 3 आ जाएगा. अब आगे हमारे पास सिंपल, इसे 3/1 लिख सकते हैं, तो चलिए आगे करते हैं. 3/1, डिवाइड के साइन का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस साइन का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो 3/7 हो गया. मल्टीप्लाई कर दो, अब कुछ कट नहीं रहा है, तो 3 3 ज़ा 9
और 7 वन ज़ा 7। ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। 6th क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 बाय 7। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें पहले, इसे तो 5 ओपन 1 लिख देते हैं। सिंपल फ्रैक्शन क्या बनेगा, 7 थ्री ज़ा 21 और 4, 25 अपॉन 7। अब क्या करेंगे, वही साइन चेंज करेंगे और रेसिप्रोकल लिख देंगे। 5 अपॉन 1 साइन चेंज कर दिया, डिवाइड जगह मल्टीप्लाई लिख दिया और इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 7 अपॉन 25 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 5 वन ज़ा 5, 5 फाइव ज़ा 25, तो इसका क्या आया, 7 अपॉन 5 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ईजीली हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। तो चलिए इसे बुक में ही सॉल्व करते हैं। इसको बुक में सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये क्या है, 3/7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3। तो कौन सा फ्रैक्शन हो गया ये, जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो कौन सा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना, क्योंकि इम्प्रॉपर का क्या क्वालिटी होती है कि उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। अब 5/8 है तो इसका क्या हो जाएगा, 8/5 रेसिप्रोकल, उल्टा ही तो करते हैं रेसिप्रोकल में। अब इसमें क्या बना, न्यूमरेटर इसमें भी बड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इधर 9/7 है तो इसका क्या बना, 7/9। और ये क्या है, अब 7 छोटा है 9 से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या हो गया ये, प्रॉपर फ्रैक्शन। 12/7 है, 12/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/12। ये छोटा है, 7 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/8 का क्या होगा, 8/1, या फिर हम इसे 8 भी लिख सकते हैं। और 8 लिख दिया तो क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया ये तो। 1/11 है तो इसका क्या हो जाएगा, 11/1, और 11/1 को हम 11 भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, हमारा होल नंबर। सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड करना है 7/3 डिवाइडेड बाय 2। चलिए करते हैं फाइंड इसे। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है, इसका फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं, 7/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये 2 है तो हम इसे 2 को कैसे लिख सकते हैं, 7/3 डिवाइडेड बाय 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया हमने। अब क्या करना है, सिंपल वही जो हम पहले करते आ रहे थे, 7/3 डिवाइड की जगह क्या साइन लगाना है, मल्टीप्लाई, और इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल यूज़ करना है। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7/1 क्या हो गया, 7, और 3/2 = 6 आ गया आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 6/13 डिवाइडेड बाय 7। चलिए इसे करते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 7 को 7/1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब क्या करेंगे, नंबर फ्लिप करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 6/13 साइन लगाया मल्टीप्लाई का और रेसिप्रोकल यूज़ कर लिया, 1/7। अब सॉल्व कर लीजिए, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6/13 7/91। तो क्या आंसर आया, 6/91। अब इसका 6 वाला कर लेते हैं। चलिए 6 वाले में क्या दे रखा है, 4/3/7 डिवाइडेड बाय 7। चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो करिए, 7/4 = 28 और 3/31, 31/7 हो गया ये। अब डिवाइडेड बाय 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, 13/7 डिवाइड के साइन को किया मल्टीप्लाई और इसका किया रेसिप्रोकल, 1/7 करिए मल्टीप्लाई, 31/7 = 49। तो क्या आंसर आया, 31/49। बाकी क्वेश्चन जो मैं छोड़ रही हूँ आपको करने हैं घर पे, वो होमवर्क है आपका।
फोर्थ क्वेश्चन फाइंड करना है, चलिए चलिए करते हैं फाइंड। क्या फाइंड करवा रहा है ये? क्या है फोर्थ क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फोर, इसका फर्स्ट वाला देखें पहले। ये कह रहा है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। कुछ नहीं करना है, डिवाइड के साइन को क्या करना है? मल्टीप्लाई। और इस साइन को क्या करना है? फ्लिप कर देना है, इस नंबर का रेसिप्रोकल यूज़ कर देना है। और कुछ नहीं कर रहा तो मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 4/5 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, चलिए थर्ड वाले में क्या है, 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7 हो गया। क्या करना है? सिंपल, साइन चेंज करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। 3/7 साइन डिवाइड का ऐसे कर देना है मल्टीप्लाई, इसका आया 7/8 रेसिप्रोकल लिख दिया, 7 से 7 पूरा ही कट गया, क्या बचा? 3/8। अब कौन सा करें? फिफ्थ वाला करते हैं, चलिए 3 × 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3। क्या करना है? सबसे पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में बनाना है, 2 3 6 और 1 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3। अब क्या करना है? साइन चेंज करके रेसिप्रोकल, 7/2 साइन चेंज, उसके बाद रेसिप्रोकल 3/8। कुछ नहीं कट रहा तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 7 3 21 / 8 2 16। कुछ नहीं कट रहा है, छोड़ दो, इतना ही आंसर बहुत है। अब कौन सा करें? अब एट्थ वाला कर लेते हैं डायरेक्ट। एट्थ वाले में क्या दे रखा है? 2 × 1/5 डिवाइडेड बाय 1 × 1/5। चलिए करते हैं इसे सॉल्व, दोनों को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें पहले। तो चलिए करते हैं, 5 2 10 और 1 11, 11/5 डिवाइडेड बाय 5 1 5 और 1 6, 6/5 हो गया। अब क्या करना है? साइन चेंज और रेसिप्रोकल, साइन किया डिवाइड का मल्टीप्लाई, और रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/6, 5 से 5 कट गया पूरा, ये क्या बचा? 11/6। इजी, ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई, आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।